हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो हमें बहुत कम प्राइस में मिल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ उस स्टॉक के लिए या कह सकते हैं कि उस सेक्टर के लिए आ चुकी है। ये जो कंपनी आज हमने चुनी है वो भी एक बहुत छोटी कंपनी है और उसे एक बड़ी कंपनी बनने से पहले हम सबको खरीद लेना चाहिए क्योंकि फिर इस स्टॉक का प्राइस बहुत महंगा होने वाला है। तो न्यूज़ कुछ इस तरह है कि गवर्नमेंट का जो मानना है कि टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर जो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया है इसको 100 बिलियन डॉलर्स के पार करना है, वो भी ईयर 2025 में। तो ये जो टारगेट है गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सेट कर दिया है। साथ में एक न्यूज़ ये भी है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू क्रॉस 40 बिलियन डॉलर्स मार्क दिस ईयर, और इसी 40 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट 100 बिलियन डॉलर्स के पार ईयर 2025 तक लेके जाना चाहती है। इंडिया अभी तक टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत पीछे है और इस न्यूज़ से हमें पता चलता है कि आने वाले समय 2025 तक बहुत बड़ी ग्रोथ टेक्सटाइल सेक्टर में हमें देखने को मिलने वाली है। और अगर ये 40 बिलियन डॉलर की ग्रोथ हमें 2 से 3 गुना होती हुई देखने को मिलती है तो एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट हमें इंडिया में बनता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसी ग्रोथ के लिए हमें तैयारी तो अभी करनी होगी और हम सब जानते हैं छोटे स्टॉक्स बहुत बड़ा बेनिफिट हमें दे सकते हैं अगर हम उन्हें बड़ा स्टॉक बनने से पहले खरीद कर रख लें। तो आज हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के बहुत छोटे से स्टॉक के बारे में जिसने पिछले एक साल में 350% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और आज हमें 55.50 रुपीज़ के प्राइस पर मिल रहा है। और इसका 52 वीक्स हाई देखें तो वो 70.35 रुपीज़ है। हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट स्टॉक के बारे में, और ट्राइडेंट एक छोटी कंपनी है और इसकी ग्रोथ और बिजनेस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये एक बहुत बढ़िया कंपनी बनने वाली है। ऐसे स्टॉक हमें तभी फ़ायदा दे सकते हैं अगर हम इन्हें सस्ते प्राइस पर खरीद कर अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख लें। तो हमारी आपसे सलाह यही रहेगी कि ट्राइडेंट का स्टॉक हमें बहुत बढ़िया प्राइस पर मिल रहा है और आज तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को कभी निराश नहीं किया है। तो आप सब एक बढ़िया ग्रोथ वाले छोटे स्टॉक को एक बड़ा स्टॉक बनने से पहले अपने पोर्टफोलियो में ऐड ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।